जैन दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पांच परियाग। इससे पहले मैं महानदी और नर्मदा रिवर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर देखिए। तो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं पांच परियाग। अगर पांच परियाग हम पढ़ लेते हैं तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आसानी होगी जानने में। तो आइए देखते हैं क्या है पांच परियाग और कैसे बनते हैं पांच परियाग, कौन कौन से पांच परियाग हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ पांच परियाग के बारे में बताने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर की। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ। यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है आपका बंदर पूंछ, और यहाँ से निकलती है आपकी यमुना रिवर। कौन सी रिवर? यमुना रिवर, यमुना रिवर। अगर उसके बाद मैं चलूँ तो फिर उसके बाद हम कर लेते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर ये आपके लिए निकलती है गोमुख से। गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है गोमुख से, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक रिवर जिसका नाम पड़ता है भागी, भागीरथी। इस रिवर का नाम है जो गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो उस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं दूसरा, दूसरा जो हम बात करें तो उसके बाद है दूसरा चोराबाई, चोराबरी। ये कहाँ से निकलता है? ये आपका निकलता है केदारनाथ से। कहाँ से? केदारनाथ, चोराबाई से निकलती है केदारनाथ, और ये निकलती है चोराबाई, केदारनाथ से निकलती है चोराबाई। अगर हम आगे चलें तो आगे हम चलते हैं तो उसके बाद आता है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ, 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 बद्रीनाथ से निकलती है सतोपंत। बद्रीनाथ को बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। तो यहाँ से बद्रीनाथ से बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से आपकी लिख ली, यहाँ से एक रिवर निकलेगी, उसको बोलेंगे, यहाँ से एक रिवर निकली, मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से एक रिवर निकली, इसको बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा रिवर। ये है अलकनंदा रिवर आपकी, ये यहाँ से निकली अलकनंदा रिवर, अलकनंदा। और अलकनंदा, ये अलकनंदा रिवर चली 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 चली, और यहाँ पर एक और रिवर आके मिली। ये रिवर जो आप, ये रिवर, ये वाली जो रिवर आके मिलेगी, इस रिवर को बोलते हैं धौली, धौली गंगा। कौन सी रिवर? धौली गंगा। और यहाँ जी अलकनंदा, जहाँ अलकनंदा आकर मिली, यहाँ पर आकर मिली, तो इस यहाँ जी जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। तो इस जहाँ पर ये नदियाँ मिली, अलकनंदा और धौली गंगा मिली, तो इसका नाम पड़ जाएगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, इसका नाम पड़ेगा विष्णु प्रयाग। आगे आगे ये दो रिवर ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, ये बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, फिर एक और रिवर आके यहाँ पर मिलेगी, एक और रिवर आकर मिली, ये रिवर का नाम होगा नंदाकिनी। कौन सी रिवर? नंदाकिनी रिवर। जहाँ नंदाकिनी रिवर आकर मिलेगी इस रिवर से, ये अलकनंदा आ रही है, नंदाकिनी रिवर आकर मिलेगी, तो इसको बोलेंगे, ये इस प्रयाग को बोलेंगे हम नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर उसके बाद ये रिवर चली 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 चली, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रिवर आकर मिलेगी, दूसरी रिवर आकर मिलेगी, उस रिवर का नाम होगा पिंडारी रिवर, पिंडारी, पिंडारी रिवर। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा? यहाँ पर मिली ना आगर, तो इसको बोलेंगे करण प्रयाग, करण प्रयाग। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद ये आई, ये आई आई ये वाली चोराबाई आई, और यहाँ पर आके मिली, ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, इस प्रयाग को बोलेंगे, इसको बोलेंगे रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद ये भागीरथी आई, भागीरथी आई, भागीरथी आई, भागीरथी आई, और भागीरथी यहाँ पर मिली, तो इसको बोलेंगे देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग।
आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, आपके 5 प्रयाग हो गए। पहला तो ये विष्णु प्रयाग हो गया, जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा आकर मिली तो बनाया उसने विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरी नदी आकर मिली नंदाकिनी, नंदाकिनी मिली तो बना नंद प्रयाग। दूसरा ये हो गया नंद प्रयाग। उसके बाद ये पिंडारी रिवर आई, आपकी पिंडारी रिवर आई, यहाँ पर आके मिली तो इसने बनाया कर्ण प्रयाग। कौन सा ये हो गया तीन, तीन सा कौन सा कर्ण प्रयाग। आगे हम चलें, आगे चलने के बाद ये आई आपकी चोराबाई आई और यहाँ पर आके मिली तो इसने बनाया रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। आगे चलिए भागीरथी निकली गंगोत्री ग्लेशियर से तो आपका यहाँ पर आके मिली, इसने बनाया देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ से लिख रही है, बंदरपूंछ से, गंगोत्री गोमुख से, केदारनाथ से, चोराबाई, बद्रीनाथ से, सतोपन, ये आपके पेपर के आ सकता है। और यहीं से ये देखिए ये यमुना रिवर आई, यमुना रिवर ने यहाँ पर पॉइंट करा और उसके बाद ये हमारी यहाँ यहाँ से अगर यहाँ से जहाँ देव प्रयाग हमारा ख़त्म हुआ, ये देव प्रयाग के बाद यहाँ से हमारी पूरी गंगा रिवर सिस्टम गंगा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। इसी वजह से मैं बोल रहा था 5 प्रयाग पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका देव प्रयाग खत्म होगा, देव प्रयाग के बाद ये जो रिवर स्टार्ट होगी यहाँ से हमारी गंगा रिवर हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं गंगोत्री से हम बोलते हैं गंगा लिख ली, लेकिन गंगोत्री से लिख ली ये भागीरथी, भागीरथी आगे यहाँ देव प्रयाग पर मिलेगी, फिर उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर करें, देखिए मैंने भी कितनी अच्छे से समझाया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू और बने रहिए हमारे साथ।